The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, piles ko kaise diagnose karein? Piles, hemorrhoid, bawasir ko exactly batana hai ki mujhe aapko bawasir hai ki kya hai. To uske liye jo test hai wo hai anoscopy. Anoscopy matlab ano, ano matlab anus aur scopy matlab dekhna. To anus ko dekhna, andar se dekhna hai khol ke. एनस को खोल के मतलब फाड़ा नहीं जाता है, उसमें एक स्कोप डाला जाता है. स्कोप का मतलब है देखने की कोई एक इंस्ट्रूमेंट, कोई तरीका. उससे क्या करते हैं, उससे एनस दिखता है, एनस के अंदर का कनाल दिखता है और अंदर का लोअर रेक्टम दिखता है. रेक्टम के नीचे एनस है ऐसा, फिर एनस के नीचे कनाल, ठीक है. ज़्यादातर ये सिंपल डॉक्टर के ऑफिस में हो जाएगा, क्लिनिक में हो जाएगा, इसमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है. और सबसे पहले डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, यानी पहले एक डिजिट यानी कि एक फिंगर डाल के देखा जाता है ग्लव पहन के, बट बाकायदा. बट ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू पुट अ बेयर फिंगर इनसाइड एनीबडीज एस. सो बेयर फिंगर डाला जाता है, सॉरी ग्लव फिंगर डाला जाता है देखने के लिए कि अंदर सख्त स्टूल तो नहीं है, कोई ऑब्वियस गार्ड तो नहीं है, कोई फर्म चीज़ तो नहीं है, प्रोस्टेट कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है उसमें. और लुब्रिकेशन लगा के डाला जाता है, कोई दर्द नहीं होता है. एनेस्थेटिक जेल लगा के डाला जाता है तो कोई दर्द नहीं होता है इसका. हाँ, अनकंफर्टेबल फील होता है, अजीब सी फीलिंग होती है, कोई दोराय नहीं है उसमें, लेकिन लुब्रिकेशन डाला जाता है, राइट. और कुछ इंचेस अंदर डाल के देखा जाता है डिजिटल रेक्टम, डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, रिमेंबर दैट, राइट. एनोस्कोपी क्या है? एनोस्कोपी में थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, उसमें ऐसे खुलने वाला होता है और पहले वो बंद बंद डाला जाता है, फिर खोला जाता है. उसके अंदर लाइट होती, एंड में लाइट भी होती है ताकि अंदर उजाला हो जाए, उजाले से हमें दिखे अंदर क्या है, ताकि अंदर का एंटायर एरिया देखा जा सके. लिटरली अंदर कोई बायोप्सी लेने के लिए भी हम इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं इसके अंदर. सो प्रिपरेशन, जैसे बोला क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ऑब्वियसली देखिए एनोस्कोपी के लिए आपका एनस हमें खाली चाहिए. सो आपको एक दिन पहले आपको लेग्जेटिव या एनिमा दिया जाएगा कि मोशन कर दो, पूरा खाली हो, प्रिपेयर हो, एम्प्टी बॉवल हो, वो समझ में आए ताकि अच्छे से दिखे. ये ना हो कि हमने कुछ किया और अंदर पूरा भरा हुआ है, भाई ये तो मोशन ही मोशन, हमें कुछ ना दिख रहा, तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला उसका. तो मोशन ही मोशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर एम्प्टी करते हैं. एम्प्टी करने के लिए आपको लेग्जेटिव, लैट्रिन की दवा या एनिमा, दोनों ही दी जा सकती है. और आपको यूरिन भी बिल्कुल पास करना है, यूरिन पास करके फिर टेस्ट होता है. ये प्रिपरेशन होता है एनोस्कोपी का. और याद रखिए एनोस्कोपी में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट ज़रूर होगा, लेकिन पेन नहीं होना चाहिए, राइट. आपको बॉवल की नीड भी फील होगी क्योंकि आपके अंदर कोई स्कोप डाला जा रहा है, फिंगर डाली जा रही है, तो आपको भरा भरा फील होगा. तो आपका दिमाग बोलेगा ये भर गई, जगह भर गई, आपको लैट्रिन आ रही है पर आपके अंदर कुछ है नहीं, राइट. आपको फील होगी बॉवल मूवमेंट की, बट डरना नहीं है, राइट. और अगर आपको बायोप्सी ली गई तो आपको एक चिमटी काटे जैसा फील होगा, पिंच फील हो सकती है, ये फील हो सकती है, ये बातें याद रखनी है आपको. और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके बाद कोई रेस्ट लेना है, कुछ नहीं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. आप बिल्कुल घर जाके अपना काम धंधा कर सकते हैं. यू कैन सेफली रिटर्न टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर द प्रोसीजर, राइट. क्यों किया जाता है भाई? पाइल्स है कि एनल फिशर है कि एनल पॉलीप है, अंदर ही ग्रोथ है कोई, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन, कोई ट्यूमर तो नहीं है. इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका एनोस्कोपी का टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है भी अंदर क्या है. नॉर्मल एनोस्कोपी में आपका एनस जो है वो साइज, कलर, टोन, टेक्सचर में सब नॉर्मल दिखेगा. कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई पॉलिप नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई हिमोरॉइड सूजन नहीं होगी, किसी प्रकार की और कोई टिश्यू नहीं होता है नॉर्मल में. एबनॉर्मल टिश्यूज़ में आपको कई चीज़ें मिल सकती है. अंदर फिशर मिल सकता है, फिशर यानी फटा हुआ, जैसे कपड़ा फट जाता है वैसी चमड़ी फट जाती है, वैसी वहाँ अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन फटा हुआ दिख सकता है, अंदर से बाहर तक दिखता है, बाहर से अंदर तक दिख सकता है, रेक्टम तक फटा हुआ हो सकता है. तो लंबे लंबे फिशर्स भी होते हैं. फॉरेन ऑब्जेक्ट दिख सकता है, होते हैं जी कई लोग जो फॉरेन ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, जी हाँ, मानेंगे नहीं मानेंगे, बहुत लोग होते हैं अजीबो गरीब. इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है नीचे, जी हाँ. पॉलिप हो सकता है, पॉलिप मतलब एक जैसे स्किन टैग होता है यहाँ, वैसे छोटा मोटा पॉलिप होता है, ऐसे लटका हुआ चमड़ी का हिस्सा, वो भी कैंसरस हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है. और अल्टीमेटली हीमोराइड, सूजी हुई नसें भी हो सकती हैं. और उसके अंदर कभी कभी एनोरेक्टल एब्सेस हो तो एब्सेस भी दिखता है कि भाई ये तो पस, बस पस भरा हो, पीला पीला एकदम पस भरा हो, पस भी भरा हुआ दिख सकता है. तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एनोस्कोपी की जाती है. रिस्क क्या है? ऑब्वियसली अगर बायोप्सी की जाएगी तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, थोड़ा सा पेन होगा, वरना कोई टेंशन नहीं है. तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है, इसमें कोई बेहोशी नहीं की जाती, कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया, कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी जाती है एनोस्कोपी में. सिंपल एनेस्थेटिक जेल लगाया जाता है एनस के आसपास, एनस
के आसपास एनस अच्छा खासा थोड़ा फैलने के लिए ओके है, जिसके नीचे से आराम से एनोस्कोपी की जाए, तो कोई बेहोशी की दवा देने की जरूरत नहीं होती है, इसी को एनोस्कोपी बोलते हैं, राइट। सो ये एनोस्कोपी है, बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट कह रहा हूँ, बेस्ट टेस्ट है पता करने के लिए आपके नीचे क्या खराबी है। सो ये कराने के लिए कोई और चीज़ की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, समझ गए होंगे आप, डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं, अपने जनरल सर्जन जाके करते हैं, जनरल सर्जन कोई भी डॉक्टर नहीं करता, कोई भी फिजिशियन नहीं करता, जनरल सर्जन, ओके, मैं तो नहीं करता, ओके, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।